साहिब जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान, बेसिकली हमारी सभी अवस्थाएं एक हैं, ठीक है ना। थोड़ी उसमें न्यूनता अधिकता आ जाती है, जैसे वोल्टेज कम आया तो भाई कम वोल्टेज बिलो, अगर वोल्टेज आ गया कई चीज़ें नहीं चलती है, फ्रिज नहीं चल पाती है, कुछ चीज़ें नहीं चलती है, लेकिन बल्ब तो जलता रहता है। हाई वोल्टेज आ जाता है तो अलग बात हो जाती है। इसी प्रकार इस जो वर्तमान अवस्था है ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था का बेस होता है हमारा मन। हमारा मन काम करता है जागृत अवस्था में। दूसरा स्वप्न अवस्था आती है, उस समय स्वप्न अवस्था में हमारा आधार होता है अंतःकरण, हमारा अंतःकरण एक्टिव होता है। जागृत अवस्था में हमारा मन एक्टिव है। जो आप अभी अपने को अनुभव कर रहे हैं कि मैं विकास हूँ, ये मन है। जो आप ये अनुभव कर रहे हैं मैं लहर सिंह हूँ, ये मन है, ये मन है, ये मानसिक अवस्था है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए हैं मन से। वो कैसे? आपको याद है मेरी माँ, ये चित्त था, इसने याद दिलाया, और चित्त मन का रूप है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए हैं मन से। तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित का जी। ये तीन लोक में मन ही विराजमान है। आइए हम देखें, तो स्वप्न अवस्था में भी हम जाते हैं, उस समय हमें एक अलग चेतना है, वो अभी से 16 गुना कम होती है। तीसरी अवस्था है सुसुप्ति, चौथी अवस्था है तुरिया। सुसुप्ति में हम कामा में पहुंच जाते हैं, अभी की तुलना में बहुत कम चेतना होती है। अभी की अवस्था में काफ़ी कम चेतना होती है। स्वप्न में आप देखो आपकी मेंटेलिटी और हो गई, ये चेतन। पर इस अवस्था में भी हमारा मन तो है ना, स्वप्न में हम मन के दायरे से परे नहीं है। जब हम स्वप्न में हैं तभी भी मन की जकड़ में है। सपने में भी देखो कई समस्याएं आ जाती हैं। इस तरह हम स्वप्न अवस्था को भी परम शुद्ध अवस्था नहीं कह सकते हैं। तीसरी अवस्था है सुसुप्ति, वो भी एक कुंद अवस्था है। हमारी चेतना की न्यूनतम चेतना रहती है उस अवस्था में, कॉमा में। आदमी मरता नहीं है, बेहोशी कह रहे हैं जिसे। हम उस अवस्था को भी आत्मावस्था नहीं कह सकते, वो अवस्था भी एक भ्रमांक अवस्था है। चौथी है तुरिया, ये क्या है? ये भी मन की अवस्था है, ये भी मन की अवस्था है। हम तुरिया अवस्था में पहुँच करके आंतरिक लोक लोकांतर देखते हैं, स्वर्ग आदि देखते हैं, ब्रह्म आदि लोक देखते हैं, कई आंतरिक जगहों को हम देखते हैं। उस समय भी हमारा यही अंतःकरण साथ होता है। ये अंतःकरण कई जन्म जन्मांतर पर भी हमारा संग नहीं छोड़ता है। ये अंतःकरण मन ही का नाम है, पर इस अंतःकरण में हमारा आत्मा का भी निवास है, थोड़ा इसका मिश्रण है। पर ये एक शुद्ध अवस्था नहीं है। चौथी तुरिया अवस्था में जो लोक लोकांतर देख रहे हैं, उस समय अगर उस अवस्था में शिवजी मिला तो उसको याद होता है कि ये शिवजी हैं, क्योंकि इसका मतलब है इस अवस्था से वो अवस्था कनेक्टेड रही है।
जो हमारी अभी की अवस्था है इससे कहीं ना कहीं इस अवस्था का भी संबंध उससे था। इसका मतलब है कि वहाँ पर भी हम मन के दायरे से बाहर नहीं निकले। इसलिए कई लोक लोकांतर जहाँ तक हम आर्टिकल्स को देखकर पहचान रहे हैं वहाँ पर भी ये होता है। उसके बाद आती है तुरीयातीत। तुरीयातीत में योगेश्वर लोग पहुँचते हैं जहाँ आर्टिकल नहीं है, निराकार ही निराकार है, जहाँ बिल्कुल भी एक अनूठी अवस्था हो जाती है, यहाँ योगेश्वर लोग पहुँचते हैं। और इस अवस्था में तुरीयातीत में एक अजीब आनंद मिलता है, अत्यंत बहुत ही कम मन की चेतना होती है उसमें, आर्टिकल्स का बोध ही नहीं होता है, पर वहाँ भी मन है। योगेश्वर केवल इसी अवस्था तक जाते हैं, ठीक है, वो मन से नहीं निकल पाए, वो मन से नहीं निकल पाए। और मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोय राख भरमाई। मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी, धालीवाल से मुझे एक फोन आया लखविंदर के भाई का, मुझे कहा महाराज मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ बोलो क्या बात है। बोलने लगा एक महात्मा मेरे पास आया था, वो किसी पंथ से था, वो मुझे कहा भाई तू साहेब बंदगी वाला है, ये दसो अंदर की दुनिया में कितना गए हो। तो लखविंदर कहने लगा गुरुजी आप पर भरोसा तो पक्का है, लेकिन अब सानू कोई पता ही नहीं था, तो मैं वहाँ अटक गया। वो महात्मा मुझे कहने लगा मुझसे दीक्षा ले लो, छोड़ो साहेब, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता था, पर इन्नी कृपा करो, मैं जानता हूँ आपके पास सब कुछ है, इन्नी कृपा करो थोड़ा हमें अंदर पुजाओ कि हम भी कहीं गल करने जोगे हो जाएं। वो कहने लगा ऐसी कृपा करो कहीं हमें भी पुजाओ ताकि ऐसे लोग जब मिले हम भी कुछ गल कर सकें। मैंने कहा लखविंदर तुझे बड़ी दूर पुजा चुका हूँ। अब वो लखविंदर का भाई क्या गुरु जी सानू तो कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा तुम्हें बड़ा आगे पहुँचा चुका हूँ। वो भी असरज में आ गया कि सानू कुछ लभ्या नहीं। मैंने कहा देखो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये निरंजन का तीन लोक का दायरा, धीरे धीरे तुम्हें इससे ऊपर उठाता गया हूँ, जहाँ मन से तुम्हारा मन पर नियंत्रण होने लगा, बुद्धि पर चित्त पर अहंकार पर आंतरिक बदलाव आया, अपने में एक चेंज तुम अनुभव कर रहे हो, तो ये तुम्हें ऊंचा नहीं उठाया। दुनिया के लोगों को देखते हो मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर वो रमे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा स्तर ऊँचा जा रहा है, इसी में ही तो आत्मा फंसी हुई है, तुम्हें वहाँ से ऊँचा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तुम निकलते जा रहे हो, तुमने कैसे कह दिया कि हम कहीं नहीं पूजे। अब वो क्या कहने लगा गुरुजी ऐसी गल पहले नहीं दसी थी। दरअसल वो थोड़ा सीधा भी था। अरे मैंने बोला ये गलें दसने की क्या है, वो तुम खुद ही अपने अंदर एक चेंजिंग नहीं अनुभव कर रहे हो, वो ऐसे ही थोड़ी है, इसका एक आधार है। तो इस तरह से जब तक आदमी इस मन के दायरे के अंदर है तब तक वो चाहे कहाँ भी पहुँचा कुछ भी नहीं है। मन के दायरे से निकलने का मतलब ये नहीं कि किसी गुफा से निकल कर हम चले जाए कि हाँ भाई अब निकल गए भाई जम्मू कश्मीर से निकलना है, लखनपुर टप गए तो निकल गए भाई जम्मू कश्मीर से, ऐसा नहीं है कि मन के दायरे से निकलना। मन का दायरा बहुत लंबा चौड़ा है, जहाँ मेमोरी है वहाँ तक मन का दायरा है। मन को दायरा कोई कहता है मन को काबू किया, कहाँ काबू किया, तुम्हारा चित्त तो काम कर रहा है, तुम्हें तो अभी तक याद है कि मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा घर है प्रेमनगर में, तो तुम्हारा मन तो एक्टिव है, कैसे तुमने अभी मन को कंट्रोल कर लिया या मन से कैसे बाहर निकल गए। कभी कभी कोई कहता है भाई कि हमने मन को जीत रखा है, कैसे जीता, तुम में मोह भी है, तुम में मैं भी है, तुम में अहंकार भी है। भाई मन को पूर्ण सीज करने का मतलब तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहे, तुम में संकल्प भी नहीं उठे, तुम में विकल्प भी नहीं उठे, ये हुआ मन पर असवार होना। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ला कोई, तो साहब कह रहे हैं चाहे हमने चार वेद अध्ययन भी कर लिया तो आखिर हमारे पास जो भी ज्ञान आया वो बोधि की तो आया, मस्तिष्क से संबंध रखने वाला, चित्त से संबंध रखने वाला। इस पर साहब ने एक व्यंग किया, गोरखनाथ जी से बोला एंडा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुखमन नाड़ी। वो योग करते थे ना, तो साहब ने कहा भाई गोरखनाथ सुनो मौत के टाइम एंडा भी खत्म हो जाएगी,
पिंगला भी खत्म हो जाएगी, सुखमना भी खत्म आ जाएगी, तो तू फिर कहाँ जाएगा? एंडा विन से, पिंगला विन से, विन से सुखमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगई बोताड़ी, फिर तू कहाँ जाएगा? तुम्हारा बेस ही कमजोर है। तो साहब कह रहे हैं, तो भी कच्चा, चार वेद को पढ़कर मर गए पूरा योग कमावे, भटकत फिरे त्रिवेणी ऊपर, जो कह दे हो जाए तो भी कच्चा, यानी वाक सिद्धियां भी आ जाए। यहाँ तो दुनिया ये कि भाई फलाना बाबा बहुत बड़ा है, उसने यूं कहा जाओ पुत्र हो जाए तो पुत्र हो गया, वाह वाह भाई वाह। साहब उसको भी कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, वाक सिद्धि आई, अष्ट सिद्धियों में ये एक सिद्धि है, ये भी बड़ा नहीं है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी त्यों न पावत पारा। क्योंकि तुम मन के दायरे में तभी भी रहे, मन को तभी भी तुमने नहीं समझ पाए, और आपका बैरी मन ही तो है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो है राख भरमाई, तेरा बैरी कोई नहीं भाई, तेरा बैरी मन। आगे कह रहे हैं, भटकत फिरे त्रिवेणी ऊपर, जो कह दे हो जाए तो भी कच्चा रे कच्चा, कहीं प्रकट कहीं गुप्त होवे, गोकुल मथुरा काशी, इतनी ताकत हो जाए यहाँ से अंतर ध्यान होकर काशी में पहुँच जाए, ये भी एक कला है, तेरे तो भी कच्चा। और यहाँ तो छोटी सी सिद्धि देखी तो आदमी कहता है भैया बहुत दूर पहुँच चुका है, कहीं नहीं पहुँचा, निरंजन ने खींच के रखा हुआ है। अष्ट सिद्धि नवनिध्य ये सब निरंजन का खेल है। आगे कह रहे हैं, दसवें द्वार में सूरत लगावे, शून्य काल का आवासी हो तो भी कच्चा, कह रहे दसम द्वार को भी खोल ले तो भी नहीं पार हुआ, वहाँ भी मन का खेल है। फिर पक्का कब हुआ? सार शब्द सतगुरु से पाए, क्षर अक्षर के पारा, यानी गुरु से एक सच्चा शब्द प्राप्त करे, जो क्षर यानी जो अक्षर है बावन, उससे निअक्षर से भी पार। कहे कबीर अब हुआ पक्का रे पक्का, क्यों? जब ये ताकत गुरु देता है उसके बाद हम मन के दायरे से निकल सकते हैं, मन ही तो भरमाने वाला है। जब अंधकार होता है तो हमारी फाइटिंग किससे है? अंधकार से ही। उसके लिए हम फिर रोशनी का सृजन करते हैं, अंधेरे से फाइट करने के लिए, फाइट ही तो मन से है, क्योंकि मन ने ही तो बांध रखा है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन, तो है राख भरमाई, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जितनी क्रियाएं हो रही वो भी मन है, जो मेमोरी में आ रहा है वो भी मन है, जो इच्छाएं हो रही वो भी मन है, जो एक्टिविटी हो रही वो भी मन है। तो साहब ठीक तो कह रहे हैं, तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी, मन ही स्वरूप ही देव निरंजन, तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। तो लखविंदर के भाई को मैंने कहा, नाम के बाद आप देखो ये सब चीज़ें छूटती जा रही है, जिस दिन कह रहे सार शब्द सदगुरु से पाए, क्षर अक्षर के पारा, अब हुआ पक्का रे पक्का, अब हुआ गुरु का बच्चा। क्योंकि उसके बाद मन की स्थिति समझ में आ जाती है, मन क्या कर रहा है ये समझ में आता है, ये दिखने लग जाता है, अंतःकरण का पूरा हाल साधक अच्छी तरह समझने लग जाता है। भाई चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। अंदर में बहुत लूट हो रही है, यही पूरा झमेला है, यही मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, क्योंकि मन ही लेवे मन ही देवे, मन ही हंसे मन ही रोए, मन ही खाए मन ही, मन ही मित्र मन ही शत्रु, भाई कैसे, मन ही शूरमा मन ही कायर। भाई लहर सिंह ने गाली दी तो आप देखते हैं, हाँ गाली दी हमला करते हैं, अंदर से मन कहता ना बाबा ना, ये तगड़ा है मार बैठेगा, आप कायर हो गए, देखो मन ने ही कायर बना, मन ने उसका मारो लहर सिंह को देखा जाएगा, मन ही शूरमा बना। कोई आदमी मांगने आया, मन अंदर से कहा नहीं देना, तो आप नहीं दिया, मन ही शुम बन गया। मन ने कहा दे दे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, पूरी दुनिया मन की गुलाम है, जैसे बंदर को बाजीगर नचा रहा है, अंदर बैठा बैठा ये पूरी हकीकत कर रहा है। ये समझ में जब तक नहीं आ रहा है तब तक तो आदमी मूर्ख ही है, जिस दिन गुरु ये आंतरिक रोशनी देता है पहली ये चिड़िया होते। लेकिन दुनिया ने गलत शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, गलत पंथों में उलझे हुए हैं, आहा जब धुने सुनी तब कहीं पूजा, आहा जब लाइटें देखी, ये सब निरंजन का खेल है, ना कहूँ गया नहीं कहीं आया, वाह 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 कहना क्या है। इसलिए भ्रमित शास्त्रों को पढ़ करके, भ्रमित लोगों द्वारा लिखी हुई पद्धतियों को पढ़कर आदमी भ्रमित हो गया है, यह है पूरा निरंजन का खेल। देखा देखी आज पूरी दुनिया सभी चीज़ों को कर रही है, पर मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोय कबीरा, ऐसा बिरला कोय,
इस पर नियंत्रण बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कर नहीं पाते थे। जब गुरु ताकत देता है तो ये चीज़ आती है। हमारे डेयरी फार्म में रखबंधु में वहाँ काफ़ी गाय भैंसे हैं, बड़ा दूध भी होता है। वहाँ एक सांड था, उसका नाम मैंने रखा था मोहन, क्योंकि एक मेरा बंदा मोहन है, वो सांड की तरह ही है, वो अपना खाता पीता अपने तरीके से, आज़ाद सोच भी उसकी ऐसी है। मैंने उसका नाम ही रख दिया मोहन। बड़ा तगड़ा फुफकारता है, इतना ताकतवर है। एक दिन मैं देखा एक छोटा सा बच्चा उसको लिए जा रहा था। वह बच्चा 10-12 साल का था भी शरारती थोड़ा, सेवा करने आ जाता था। क्या था, वो नकेल बांधी हुई थी नायलोन की रस्सी की उस सांड के नाक में। तो जैसे जब वो बच्चा चल रहा था तो सांड भी चल रहा था, जब वो दौड़ रहा था बच्चा सांड भी दौड़ रहा था, जब वो खड़ा हो रहा था सांड भी खड़ा हो जाता था। वाह भाई, इतना सा छोटा सा बच्चा उसको नचा रहा था, इतने बड़े सांड को जो 10-15 आदमी के हाथ नहीं आता था, बस क्या था उसके नकेल डाल कर दी गई थी। इस तरह गुरु मन पर नकेल कसता है, उसके बाद जहाँ चाहो वहाँ घुमाओ, नहीं तो वो तो सांड 20-25 बंदे के भी काबू नहीं आने वाला था, इतना खूंखार था। लेकिन नन्ना सा बच्चा उसको लिए लिए घूम रहा था। इस तरह गुरु कृपा से यूं हो जाता है कि ये मन पूरा काबू हो जाता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, आ मने स्वरूपी देव निरंजन, तो है राग भरमाई, हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। तो इस तरह जब गुरु से नाम प्राप्त करता है वो ताकत चेतना देता है, मन पर एक लगाम लग जाती है, मन समझ में आता है साहिब करे तब हुआ गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। आप व्यक्तिगत तौर पर भी देखते होंगे अपने आप को दुनिया के लोगों से भिन्न समझ रहे होंगे, ठीक है। सतगुरु मेरा शुरमा, कसके मारा बाण, नाम अकेला रह गया पाया पद निर्माण, करो जगत से न्यार। अपन भाई बदल देते हैं आदमी को, वो दुनिया के लोग ठीक कह रहे उधर मत जाना, ठीक तो कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, अपन बदल देंगे आपको, दुनिया के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। कबरा खड़ा बाजार में लिए लोहाटा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार किसी नेता के पास एक आदमी जाकर मेरे खिलाफ़ बोल रहा था। खैर बोले, मुझे कोई इससे क्या फ़र्क पड़ना था। मेरा भी एक आदमी उस नेता के पास किसी काम से गया था, सत्संगी था, अपने निजी काम से गया था कहीं उस लीडर के पास। तो जब अंदर एक आदमी बात कर रहा था तो वो बेचारा बाहर खड़ा रहा मेरा सत्संगी। वो एक सयाना चेला था, लेकिन वो नेता को काफ़ी वोट दिलाता था। वो नेता को कह रहा था मेरे लिए, भाई ये आदमी बड़ा अटपटा है, धर्म बिगाड़ रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकाना कर रहा है, तमाम मेरी निंदा की, गालियां भी बक रहा था वो मुझे। पर आखिरी में वो एक बात बोला, बोला इसके पास पता नहीं क्या चीज़ है, बंदा अपनी जनानी को छोड़ सकता है, एनू छोड़ ही नहीं सकता, जनानी बंदे नू छोड़ देगी, एनू छोड़ती नहीं। देखो कितना पॉजिटिव बात बोल रहा है। फिर गालियां देकर बोल रहा है पता नहीं इसके पास की ऐसी चीज है, दुनिया छोड़ देगा बंदा, एनू छोड़ ही नहीं पाता है। मैं कहा वाह वाह, बड़ी प्यारी बात कही, चाहे वो गालियां भी दे रहा था विरुद्ध भी, लेकिन एक पॉजिटिव बात तो उसने बोली ना वहां भी, ये बिल्कुल हकीकत है। आइए, सतगुरु मोर रंगरेज, चुनर मोरी रंगडारी, शाही रंग छुड़ाइया, दिया मजीठा रंग, बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया, उन अवस्थाओं से हटा दिया। आप दुनिया में हैं, अरे आप बीबी को कहीं चूल्हे में थोड़ी बच्चों को फेंक रहे हैं, बीबी को कहीं जंगल में नहीं सुट के आ रहे हो, सबके साथ हो। सो सतगुरु में भावे, जो भोग में योग दिखाए, वाह वाह वाह। अर्थात ग्रस्त में रहकर भी आपको सन्यासी बना दिया, संसार में रहते हुए भी दुनिया से निराला कर दिया, करुण जगत से न्यार में। पूरी दुनिया आपको नशे में नजर आ रही होगी, इसलिए कि आप यह महसूस करते हैं दुनिया के हर इंसान पर मन का पूरा वर्चस्व है, जो भी चाहे उन्हें करा रहा है। आपको दुनिया पागल लगेगी, बिल्कुल भी। सत्संगी नाम रूपा, ले
सत्संगी। साहिब जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में आपको दुनिया पागल लगेगी, बिल्कुल भी। जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। क्योंकि जब ये एक नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, एक खुमारी आ जाती है और रात दिन उतरती नहीं है कभी। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, वह तो सुमरण ना है, आठ पैर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा है। वो एक अजीब अवस्था बन जाती है, 24 घंटे आपको लगेगा एक ताकत मेरे साथ में रह रही है और मन पर पूरा नियंत्रण होगा। मजा लें जो मन एक कदम भी आगे बढ़े। एक बार एक आदमी मुझे मिला, मुझे कहने लगा, महाराज मेरी एक अर्ज है, सुनो। मैं कहा हुकुम करो। बोला, नामदान के टाइम आपने हमसे तीन चीज़ मांगी, कहा तन मन धन तीनों दे दो आंख बंद करके। बोला, गुरु महाराज सच्चे दिल से सच में मैंने तीनों चीज़ें आपको दे दी थी, तन भी दिया मन भी दिया और धन भी दिया। आपने फिर पूछा तन मन धन तीनों दिया, मैंने कहा दे दिया। बोला सच्चे दिल से, मैंने कहा हाँ। आपने फिर कहा भाई आज से तुम्हारा तन मन धन मेरा हो गया, इससे पहले इस तन से क्या पाप क्या पुण्य क्या अच्छा क्या बुरा किया ये नहीं पूछ रहा हूं, इसके बाद इस तन से कोई पाप नहीं करना, अब मेरा हो चुका। आपने कहा ठीक है। फिर आपने कहा भाई ये धन भी मेरा है, आप मुझे दे चुके हैं, आंख बंद करके देने का मतलब था विचार कर। बोला धन भी दे चुका। मैंने आपसे कहा कि ये धन अब मेरा हो चुका, इसे गलत कामों में नहीं लगाना, किसी पर झूठा मुकदमा नहीं करना, पैसे देकर किसी की मारपीट नहीं कराना, गंदे कामों में नहीं लगाना, अब मेरा है धन। बोला ठीक है। आपने कहा मन भी मेरा हो चुका, मन मेरे पास रखना। हमने कहा ठीक है गुरुदेव। फिर आपने कहा आपका तन वापस दे रहा हूँ, गोरखनाथ जी जिसको दीक्षा देता था शरीर वापस नहीं करता था, अपने नाल घुमाता था, अपने साथ घुमाता था, ठीक है। आपने कहा मैं शरीर वापस दे रहा हूँ, जाओ घर में, माता पिता घर द्वार बाल बच्चे परिवार का देखभाल करना, जब मुझे ज़रूरत होगी बुला लूँगा, अभी जाओ घर। फिर आपने कहा धन भी वापस दे रहा हूँ, धन के बगैर कोई काम नहीं होगा, इससे माता पिता परिवार का पोषण करना, जो तुम्हारी इच्छा हो गुरु सेवा में लगाना, बंधन में नहीं डालना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। आपने धन भी वापस दे दिया। आपने कहा मन वापस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे एक बात बताओ, अगर ये मन आपने अपने पास रखा तो हमें ये कौन तंग कर रहा है फिर। मैं कहा वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा मैंने आपका मन सच में अपने पास रखा है, आप सच मानना, मैंने आपका मन आपको वापस नहीं दिया, एग्रीमेंट हो चुका है, आपका मन सच में मेरे पास है, मैंने वो वापस नहीं दिया है, सच में ले लिया, ये वापस क्यों नहीं दिया, ये बहुत शैतान चीज है, आपको ये डुबाएगा।
माँ छोटे बच्चे को चाकू नहीं देती है खेलने के लिए, वो जानती है काट देगा अपने को कहीं ना कहीं से। जहर की या कांच की शीशी नहीं देती है, वो जानती है तोड़ेगा कहीं अपने हाथ पाँव काट लेगा। इसलिए मन खतरनाक था, मैंने आपको वापस नहीं दिया सच में। वो कहने लगा गुरुजी फिर ये तंग कौन कर रहा है। मैंने कहा बात सुनो, कभी कभी हम अपने पशुओं को बांधते हैं चरने के लिए खेत में जंगल में खुली जगह में, तो रस्सी का आयतन थोड़ा लंबा करते हैं कि चारों तरफ घूमकर वर्गाकार में कहीं खा ले, तो पशु चरता रहता है। रस्सी का आयतन लंबा होता है, कभी कभी 20 मीटर भी, 15 मीटर भी, 20 फीट भी, तो खाता है वो। धीरे धीरे सोचता है मैं फ्री हो चुका हूँ, वो दौड़ता है, वो एक परिधि तक दौड़ेगा फिर उसे वहीं झटका लगता है। मैंने आपको आपके मन को थोड़ी सी लंबी रस्सी से बांधा। बोला गुरुजी ऐसा क्यों किया? ताकि तुम घर भी देख सको, बच्चों को भी देख सको, परिवार को भी देख सको। नहीं तो नामदान के टाइम पर मैं तुम्हारे मन को पूरा भी बांध सकता था, तब तुम बीबी के पास भी नहीं जाना था, बच्चों की भी खबर नहीं लेना था, घर भी नहीं जाना था, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगना था, तुम यहीं रहना था। लेकिन इससे ये नुकसान होता कि लहर सिंह अगर यहाँ आया नामदान लेकर घर ही नहीं गया, तो फिर कहर सिंह अगर मेरे पास आना था तो लहर सिंह की बीबी कहना था मत जाओ उधर, निर्बसिया मेरा बंदा भी वहाँ गया वापस ही नहीं आया। ओ कहर सिंह की बीबी, लहर सिंह की बीबी कहर सिंह को और उसकी बीबी को समझाइए उधर मत जा, मेरे वाला लहर सिंह वहाँ गया आज जो तक वापस नहीं आया, रुल जाएगी तू उठे मत जा। तो फिर मैं और लहर सिंह दोनों ही अकेले रह जाना था, तीजा इतने आना ही नहीं था। ये कलयुग का बंदा है आलसी। जब मैं लोगों से ये कहता हूँ चिंता नहीं करना, भजन सुमरण नहीं हुआ तो भी मन नहीं फिक्र करना, साहेब पार कर देगा, खुश हो जाते सोचे अभी कुछ करना ही नहीं है। जब कभी कभी कहता हूँ थोड़ा ध्यान कर भजन कर, एकदम मुँह उतर जाता है, हाय ध्यान भजन कैसे करें। ये बंदा बिना पढ़े लिखे पूरा पास होना चाहता है, आलसी है ना। तो मैंने कहा भाई, तो मैंने इसलिए थोड़ा मन को लंबी पेग में बांधा है ताकि घर द्वार गृहस्थी भी देखो, लेकिन फालतू हरकत नहीं कर सकेगा, जैसे फालतू जाएगा तो कसेगा। तो बोला गुरुजी थोड़ा वध लंबी पेग में बांधा है, थोड़े दो तीन लपेटे और दे दो। मैंने बाबा वो तेरे हाथ में दे दिया है काम। जब भी किसी जानवर की रस्सी लंबी होती है तो हम उसे लपेटा दे देते उसी खूंटे में, बस तू सुरती मेरे खूंटे में लपेटता रहे, इसकी पेंग भी छोटी हो जाएगी फिर, ठीक है। इसकी पेंग भी छोटी हो जाएगी, इसलिए गुरु से सुरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। हम हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक दिन मुझे फिर एक बंदे का फोन आया, मुझसे जो फ़ोन पर बात करते हैं कभी कभी कहते हैं गुरुजी फ़ोन ही बंद रहता है। अरे भाई मैं 12 घंटे 13 घंटे सत्संग करता हूँ, तो सत्संग में तो मोबाइल लेकर बैठूँगा नहीं, और मेरे को पूरी दुनिया से फ़ोन आते रहते हैं, विदेशों से आते हैं मैंने क्योंकि मेरा नंबर सबके पास था। फिर मैं थोड़ा तंग पड़ गया, किसी को नंबर मिला हूँ अभी आधा भी नहीं मिला पाता था, दो बार रिंग आ जाना। मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया, मैंने कहा ठीक है इसको किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन क्या करना, जब मैं किसी को फ़ोन करता था उससे तो उसके पास मेरा नंबर पहुंच जाता था, वो दूसरों को भी बता ये भी है गुरुजी के पास फ़ोन। यार मैंने कहा ये भी फ़ोन अभी ओपन हो चुका है, एक तीसरा ले लेते हैं। तो एक तीसरा फ़ोन था, एक दिन किसी अपने खास आदमी को फ़ोन किया, वहाँ से बड़ा रूखा बोला हेलो। तो मैंने कहा बात सुनो, तुम नाम लिए हो पहले साहेबबंदगी बोलना चाहिए, आओ नवाब की तरह बोलो। बोलो साहब जी ये आपका फ़ोन है क्या? मैं बोला हाँ। बोला ये तो पहले इस पर कभी नंबर ही नहीं आया था, अब मैं वहाँ भी फंस गया, उसके पास मेरा नंबर पहुँच गया, अब वो भी सबके पास पहुँच गया। फिर मैंने एक और नंबर लिया, मैंने कहा भाई देखो मेरे लांगरी को मैंने बोला तुरना देवी को इसका नंबर किसी को देना मत, जब कोई ऐसी अर्जेंट बात हो तो तुम इस पर मुझे फ़ोन करना, ये किसी को भी मत देना। एक दिन उस फोन पर भी मुझे डॉक्टर हेमराज का फोन आ गया,
वो मैं अचानक मैं कहा इस पर कैसे फोन आया, वो मैं खुला रखता था हमेशा कि वही ऐसी इमरजेंसी हो। मैं बोला भाई ये नंबर आपको कहाँ से मिल गया, चौथे वाले का हाल बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये कहाँ से नंबर मिल गया, बोला कोई ऐसे काम था तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वो आपकी लांगरी से भोजन मिल गया नंबर। मैं कहा अभी अपने अब मैं चारों मोबाइल ही बंद रखता हूँ, तंग पड़ गया, मैं कहा मोबाइल अब छोड़ो, लेकिन नहीं लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनके संपर्क में रहना चाहता हूँ। तो मैं बताता हूँ कब बात करूँगा, जब मैं सत्संग कर रहा हूँ तो फ़ोन पर बात करूँगा नहीं, आप मुझसे बात करना है तो आप, मैं आपको दाव बता रहा हूँ, आप डायरी में देखना जब मेरा दूर कहीं प्रोग्राम है जम्मू से तो मैं रास्ते में होता हूँ फिर 5-5 घंटे। उदाहरण के लिए मंडी हिमाचल में जब प्रोग्राम है तो यहाँ से 8 घंटे का रास्ता है, तब आप मुझसे बात करेंगे, पक्का बात कर लूँगा। जब मेरे सामने अगर घंटी बजी मैं पक्का उठाऊँगा, पर सत्संग में तो घंटी उठाना नहीं है। लेकिन मैं आपसे कैसी बात करूँगा, जो अगर मुझसे फ़ोन पर बात हुई वो फ़ोन छोड़ता ही नहीं है, जितनी ज़रूरी बात है उतनी बात करके मैं कहूँगा अच्छा ठीक है साहेबंदगी, ट्रैक से बंद कर दूँगा। अगर आप लंबी कहानी सुनाना चाहेंगे वो भी नहीं भाई, फिर टाइम जाया करना है, आपसे हम बात करेंगे, आप आओ बात करेंगे, कोई फीस नहीं है हमारी, 11,000 या 11 रुपये या 1 कोड़ी, अपन काफ़ी सस्ते आदमी हैं और अवेलेबल हैं, हमेशा उपलब्ध हैं, आप कभी भी बात कर लें हम आपसे बात कर लेंगे। तो एक ने फ़ोन पर बोला गुरुदेव एक गल दसो, मैं बोला कहो, बोला साढ़े से भजन ध्यान बैठ नहीं होता है, कह रहा था मुझसे बैठना होता ही नहीं, मैं ध्यान में तपस्या नहीं होती है, यानी वो कह रहा था ध्यान नहीं होता है। मैंने कहा ये तो माड़ी गल है, वजन कम कर थोड़ा, बैठना चाहिए। बोला हो नहीं पाता है गुरु महाराज, तो मैंने कहा चलते फिरते भी भजन कर ले, अच्छा कोई बात नहीं नहीं हो पा रहा है। बोला गुरु महाराज साह की भी तकलीफ है, तुरते फिरते भी साढ़े से भजन होता ही नहीं, बड़ी कोशिश की किसी भी तरह से साढ़े से नाम भजन बैण बौण नहीं होता है। हूँ ये दसो असी भी कुत्ते पार होंगे या एवें ही बह जाएंगे, रुड़ जाएंगे या कहीं पूजेंगे कहीं। अब उसकी ये समस्या थी, वो कह रहा था कि हमारा भी कोई ठिकाना होगा या डूब जाएंगे, क्योंकि वो बेचारा कह रहा था न तो साढ़े से भजन होता है न साढ़े से बर्ण होता है। तो मैंने कहा वो पूछ रहा था कि कुत्ते पूजेंगे या बह जाएंगे। मैंने कहा गल सुनो, जो नियम तुम्हें बताए हैं उसका पालन करते हो, 7 नियम बताए हैं, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना। तो वो कहता है हाँ, वो तो मैं आपकी कृपा है वो तो पूरा पूरा कर रहा हूँ। मैं बोला बस तू पार है, जब मैंने कहा बस तू फिर पार है, उसने कहा गुरुजी तप तो कोई किया नहीं मैं। मैं बोला इससे बड़ी तपस्या क्या है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं बाके हृदय आप। अगर आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं, इस महाकाली काल में इतनी ठगी है, बेईमानी है, चोरी है, वो तू नहीं कर रहा, इससे बड़ी तपस्या क्या है, तू बड़ा तपस्वी है, फिर तू चिंता मत कर, पर बनत बनत बन जाई साहेब के द्वारे लग रहे भाई, लगे रहना द्वारे धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज हैं, जो दर छाड़ न जाए कबीरा, जो दर छाड़ न जाए। साहब ने सभी पहलुओं पर बोला। तो इस तरह आइए, जब ये साधक तुरियातीत में भी जाता है, निराकार में समा जाता है, वहाँ भी मन कामा रूप में हाजिर हैं, वहाँ से भी आदमी नहीं निकल पाता है, इसलिए ये सभी अवस्थाएं मन के दायरे के अंदर आती हैं, यहाँ मुक्ति नहीं है। साहब ने ये बोला टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि जैसे यहाँ तुम बंधन में हो वैसे तुम स्वर्ग में भी बंधन में हो, कर्माणि बंध्या, कर्मों के कारण ही तो आप स्वर्ग में गए, और कर्माणि क्षीण मृत्युलोक, कर्म क्षीण होते ही मृत्युलोक में आ जाते हो, वहाँ तो केवल कर्मों का फल भोगने के लिए गए थे तुम। इसलिए जितने भी लोग लोकांतर हैं वहाँ सब मन का साम्राज्य है, मन से बाहर नहीं निकल पाओगे, ये बिना गुरु के काम ही नहीं हो पाएगा। बिन सतगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, इसलिए गुरु ये कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दे पहुँचाए। इसलिए वहाँ साहब ने जिस अमरत्व की बात की, निर्गुण सरगुण दोनों से परे हैं, यह है निर्गुण भक्ति, खेसरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी मुद्राएं यहाँ तक जाती हैं, आपको मन की सीमा से बाहर नहीं निकल ले जाएगी। पर हम जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये दो भक्तियाँ देख रहे हैं,
इसी में दुनिया रमी है। अफसोस ये है कि दोनों भी तो ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे भाई सनातन कोई छोटी चीज है क्या? उसमें भी वर्जित है मांसाहार, उसमें भी वर्जित है शराब पीना, उसमें भी वर्जित है किसी को दुख देना, उसमें भी वर्जित है पराई स्त्री गमन करना, उसमें भी वर्जित है चोरी चंडाली करना। ये कैसा कैसे लोग हैं? मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं सनातनी है। सनातन ये प्रेरणा नहीं दे रहे, वो तो धर्म भ्रष्ट हो गया। आइए हम देखते हैं ये दोनों पद्धतियाँ हैं उपासना की, और यही प्रचलित थी। साहेब ने इससे ऊपर कही कि हम इसके द्वारा भी मन के दायरे में हम परमधाम और महानिर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए साहेब ने चौथे लोक की बात की। आज हम देख रहे हैं काफ़ी नाना मत मतांतर चौथे लोक की बात कर रहे हैं। मटेरियल बुरा तो उनके पास निरंजन वाला है, सामान तो बुरा उनके पास माया भी है, आचरण में भी कहीं चौथे लोक का गुण ही नज़र नहीं आ रहा है, लक्षण नज़र नहीं आ रहा है। कोई कहे मैं बहुत तगड़ा पहलवान हूँ और दुबला पतला मरा हुआ फूंक दो तो उधर जाके गिरे, तू कौन सा पहलवान है फिर? जब तुम्हारे अंदर संतत्व की धारा और गुरमत का सिद्धांत ही नहीं है, तुम हत्या भी मान रहे हो, भूत भी मान रहे हो, चेले चपटों के चक्कर में भी आ रहे हो, सैने दयालों के अंदर भी उलझे हुए हो, तो तूने फिर गुरु को नहीं पकड़ा हुआ है, ठीक है? इसलिए साहब यहाँ ठीक ठीक कह रहे हैं, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेल के खड़ी भयाना तेल, गुरमग धड़ पक राखिए, डिगमिग डिगमिग छाड़, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया, भया कबीर कबीर। बाकी आपके अंदर जो ताकत छोड़िए ऑटोमेटिक काम करती चलेगी, आपको बदलती चलेगी, धीरे धीरे दुनिया से न्यारे होते जाओगे। हम एक बीज को डालते हैं जमीन में एक वातावरण देख कर, उसको फिर खाद देते हैं, सींचते हैं, वो पनपता जाता है, आपका मोक्ष का पौधा पनपता जा रहे हैं। किसके द्वारा? आपके आस्था के द्वारा, आपके भरोसे के द्वारा। कर प्रतीत मिलाऊं तो ही भरोसा कैसा? भरोसा सिर्फ जबानी नहीं, हाँ साहब जी तुंदे सेवा साढ़ा कोई नहीं, और जागत बीमार हो गया तो वो फंडा कराने पहुंच गई, फिर केड़ा भरोसा हुआ? जीवन का हमने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, वो पूरा हो। भक्ति के दो ही तत्व हैं, धातु हैं, विश्वास और ध्यान। अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को, सुरत करो मेरे साईयां, मैं हूँ भवजल माए, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहो वे माए। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। वाह वाह, मैं कामी मैं कुटिल हूँ, मैं अवगुण की खान, मुँह पर कृपा न छाड़िए दास आपनो जान। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न लागी बार, भावे बंदा बख्श दे भावे गर्दन मार। तुम्हारे दर का हूँ मैं भिखारी, कृपा करो ऐ कृपाल भगवान। इसलिए संतत्व की धारा कह रहे पूरा काम गुरु पर छोड़ देना, सात दीप न वखंड में, गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो है। आप कहेंगे फिर कैसे होगा? आप अजमाना। मुझे एक सत्संगी ने बड़ी प्यारी बात बोली, बोला गुरु जी पहले मेरी एक दुकान थी, दुनिया ये बात नहीं समझ रही है, काफ़ी मेरा घाटा भी हो जाता था, नुकसान भी हो जाता था, कुछ चीज़ें खराब भी हो जाती थी। अभी साहब जी ऐसा है, जब से सब कुछ आपको दिया, मैंने सच्चे हृदय से दिया था, कहाँ भी नुकसान होता है आप खुद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि साहब जी अब आपका हो गया है ना, इसलिए आप खुद संभाल रहे हैं। जहाँ कुछ नुकसान होने वाला है इस पहले इशारा कर रहे हो, वाह अपने आप को आपको समर्पित करने में कितनी कितना फायदा हुआ। हम तो भय रहित हो गए, हम तो नुकसान अपना चिंता रहित हो गए, बस ये समर्पण सच्चा हो, समर्पण सच्चा हो। समर्पण में एक आनंद है, आप देखते हो ना छोटा सा बच्चा मस्त घूम रहा है, उसे कोई रोटी की थोड़ी फिक्र है, बिस्तर की थोड़ी फिक्र है, गड्डी की थोड़ी फिक्र है, वो समर्पित है माँ में, वो जानता है अरे मम्मी रोटी खिला देगी, वो जानता है अरे मम्मी घर पुजा देगी, वो जानता है अरे मम्मी सुला देगी, सो जाएगा उसी को गोद में, वो समर्पित है। बस ये संतत्व की धारा समग्र समर्पण को कहती है, और ये समग्र समर्पण ही शरणागति है, यही शरणागति ही भक्ति है, यही है भक्ति मार्ग। वो तो योग मार्ग है, वो तो सर्वगुण मार्ग है, इसलिए संतत्व की धारा भक्ति को स्थापित की, ठीक है? मन लगी नाम गुरु का।
सत्संगी। साहिब जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में आप देखते हो ना, छोटा सा बच्चा मस्त घूम रहा है, उसे कोई रोटी की थोड़ी फिक्र है, बिस्तर की थोड़ी फिक्र है, गड्डी की थोड़ी फिक्र है। वो समर्पित है माँ में, वो जानता है अरे मम्मी रोटी खिला देगी, वो जानता है अरे मम्मी घर पुजा देगी, वो जानता है अरे मम्मी सुला देगी, वो सो जाएगा उसी की गोद में, वो समर्पित है। बस ये संतति की धारा समग्र समर्पण को कहती है, और ये समग्र समर्पण ही शरणागति है, यही शरणागति ही भक्ति है, यही है भक्ति मार्ग। वो तो योग मार्ग है, वो तो सर्वगुण मार्ग है, इसलिए संतत्व की धारा भक्ति को स्थापित की। ठीक है, ये भक्ति बहुत ऊंची चीज़ है। पहले भक्ति भक्ति सब भगत जगत बखाना, भक्त भेद कोई बड़ला जाना, आगे भय भक्त भय बहु भारी, करी भक्त पर युक्त नधारी, योगी सन्यासी लटधारी, माया ने सब कुछ ठगधारी। साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया, सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। आखिर क्या निचोड़ निकला, जिस भक्ति को साहब ने स्थापित किया एक ही बात कह दी, समर्पित हो जा, खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले, पूरा काम बना देंगे तुम्हारा। ठीक है, समर्पित हो जा और मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने को समर्पित होने के लिए क्यों कहा, जो भी तुम प्लानिंग करोगे मन की होगी, क्योंकि तुम मन की दुनिया में हो। वाह भाई वाह, ये समर्पण कैसा, बड़ी प्यारा उदाहरण दिया धर्मदास जी ने एक वाणी में, भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव भक्ति दान दे दो, जन्म पाए नहीं बिसरू करहूं पद सेवा, बस अपनी सेवा दे देना। तीर्थ व्रत मैं ना करूं नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मना मेरे ओर न दूजा, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर नारी, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, सुख संपत्ति भी नहीं चाहिए। जितनी सुंदर स्त्री होगी उतनी बड़ी आफत है, शादी सुधी होगी किसी की नजर ही नहीं होगी, तमाम दुनिया का झमेला बना रहेगा। ठीक है ना, जब शादी सुधी होगी झमेला ही खत्म है। तो धर्मदास जी कह रहे हैं, सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु आस तुम्हारी। आगे कह रहे हैं, सपने इच्छा इनकी नहीं उठे, सिर्फ तुम्हारी आश्रय अष्ट सिद्धि। अरे मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए, नवनिधियां निधियां भी नहीं चाहिए, वैकुंठ के वासा मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, सो मह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। फिर क्या मांग रहे, धर्मदास की विनती समृत सुन लीजिए, बस आवागमन निवार कर अपना कर लीजिए, बस अपना कर लेना, मुझे अपना समझ लेना, बस इतना। ये कैसी चीज़ है कृपा। दो बहुत बड़े वीर थे, सैनिक थे, किसी राजा के सेना में बहुत तगड़ा काम किया, कहीं बड़ी क्षति बचाई, राजन खुश हुआ, शाबाश वीरो तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते। एक सैनिक ने कहा, 10,000 सैनिक घोड़े, 5,00,000 मोहरे, एक जिले का राज्य दो। राजा ने बादशाह ने कहा दे दिया, दे दिया उसे, दे दिया। दूसरे से कहा, कहो भाई तुम। बोला, हे बादशाह सलामत कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी रहमत रखना, बस अपनी कृपा रखना, कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, हे वीर तूने मुझे ही ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, प्रभु से कुछ नहीं चाहना है, साहब से कुछ नहीं मांगना है,
जो कुछ भी मांगा वो मन का होगा, जो कुछ भी मांगा वो दुनिया भी होगा। बस ये कहना जो तुम्हारी रजा है बस वही। सो ही कीजिए कृपा निधाना, जा से होए परम कल्याणा। जो तेरी रजा है बस वही हो, जो तू चाहे वही हो। जे तू राज देवे तेरी वडियाई, ये भीख मंगाए तो की घट जाई। वाह नानक देव जी ऐसा बोल रहे हैं, अगर कुछ भी मिला वो तेरा ही है और कुछ भी गया तो तेरा ही है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। सुनिए साहब ने भी एक शब्द कहा, न सुखहाल में मजा है। भाई सुख में भी मजा नहीं, क्योंकि उसमें भी डर है ये सुख चला जाएगा। आज आपके घर में बड़ी सुख शांति है, बेटे बेटियां फलाना ढिकाना रुपया पैसा सब है, कल घाटा हो जाए तो परेशान हो जाओगे, कोई घर का आदमी मर जाए तो दुखी हो जाओगे, कोई घटना हो जाए तो परेशानी हो गई। हर सुख के पीछे तो भय है। न सुखहाल में मजा है न दुखहाल में मजा है, बस जिस हाल में तू राखे उसी हाल में मजा है, तेरा भाणा मीठा लगे। बस यही एक धारणा है। तो भक्तित्व की धारा साहब ने आकर फैलाई कि ये तीन लोक माया के अंदर है, सदगुण निर्गुण से परे की बात साहब ने की। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बढ़ला जाना, आगे भक्त भय भवारी करी भक्त पर युक्ति न धारी। कोई सदगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मोह से कहीं न जाए, कबीरा मोह से कहीं न जाए। क्या ये जीव तप करके पार होगा? अरे कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। गुरु एक सेतु है परमात्मा तक जाने का। आप देखते हैं विशाल नदियां हैं, उनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन उस पर जब पुल पड़ जाता है तो चींटी भी पार करके चली जाती है। इस तरह गुरु परमात्मा तक जाने का सेतु है, एक ब्रिज है, एक पुल है, उसके द्वारा आप आराम से पहुँच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए संतत्व की धारा ने गुरु भक्ति को कहा ही महत्तम बोला। गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर तादास को तीन लोग डरना है। बहुत बारीक है ये भक्ति, बहुत बारीक है। क्या सच में हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं? क्या इस बात का प्रमाण मिल सकता है? क्या साहब तो कह रहे हैं भाई सयाद के काबू में सब जीव बिचारे। इंसान का और इस ब्रह्मांड का संचालन एक शातिर ताकत कर रही है, क्योंकि इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, कई कई हजार लोग मर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने इशारा करके उस हादसों को रोका नहीं। लगता है जो कुछ हो रहा है वो कुछ अमान्य सा हो रहा है, लगता है सच में शैतानी ताकतें दुनिया का संचालन कर रही है। एक प्रमाण और मिल रहा है, जब ये आत्मदेव निर्बल हैं पवित्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हैं, जन्म और मरण से परे हैं, अपरिवर्तनशील हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, अपराध रहित हैं, पाप रहित हैं, पवित्र है, क्योंकि ऐसा ही लक्षण आत्मा और परमात्मा दोनों का शास्त्रों में वर्णित है। फिर इंसान झूठ क्यों बोल रहा है, छल क्यों कर रहा है, कपट क्यों कर रहा है, हिंसा क्यों कर रहा है? लगता है कि हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में सच में काम कर रहे हैं। इंसान वो सब काम किए जा रहा है, अपनी आत्मा को नहीं समझ पा रहा है। सयाद के काबू में सब जीव बिचारे, सही में नज़र भी आ रहा है कि हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में नाच रहे हैं। ये शरीर हमारी आत्मा है ही नहीं, आत्मा इससे परे हैं। कितना बुरी तरह उस ताकत ने जकड़ा हुआ है कि एक दो होए ताहें समझाऊं, सभी बुलान हैं पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। वो जब भी चाहे इंसान से जो कुछ चाहे करवा रही है, आखिर वो ताकत कहाँ बैठी है?
साहिबवाणी में बड़ा साफ बोल रहे हैं, मन ही निरंजन सभी नचाई, सबको नचाए जा रहे हैं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लाग मनही की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मने निरंजन सबको दलिया, दल दिया सबको, जैसे माताएं दाल गेहूँ दलती हैं ऐसे दल दिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, मन को जान न पाए रत्ती, किस पॉइंट पर बैठकर वो पूरा काम कर रहा है, बहुत खतरनाक है। क्या हम सब इसको देख भी सकते हैं, वो कैसा है स्वभावन, वो कैसा है, क्रूर है, सयाद है, कसाई है। ये दुनिया शैतानी ताकतों के हाथ में है, आप नहीं देखते हैं, वो शैतानी ताकतें इंसान से जो कुछ चाह रही है वो करवा के छोड़ रही है। आत्मदेव को क्या लेना, चोरी चंडाली से, पाप कर्मों से, विषय विकारों से, गंदे कामों से, हिंसा से, हत्या से, लेकिन ये आत्मदेव इन सभी कामों में शामिल हो रहा है। आत्मा ने अपने आप को कहीं शरीर माना हुआ है, कौन सी ताकत है जो हमें डिफेम किया है, जिसके कारण से हम अपने वजूद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। ज़रूर लग रहा है, आदमी के कामों से भी लग रहा है कि कुछ शैतानी ताकतें उनके अधीन होकर आदमी ये काम कर रहा है। आत्मा इस संसार में बेहद तंग है, नाना जन्म जन्मांतरों के चक्कर में पड़ रही है। आत्मा निर्मल है, आत्मा का क्या लेना किसी से, आत्मा का कोई ताल्लुक नहीं है न विकारों से, इंद्रियों से परे हैं। क्या है रहस्य ही समझ में नहीं आ रहा है, आत्मा काम कर रही है या मन काम कर रहा है या बुद्धि काम कर रही है, आखिर ये सब परमात्मा क्या काम कर रहा है, पूरा इसमें एक रहस्य और एक घोर अंधकार अंतःकरण में है, जिससे इंसान अपने वजूद को समझ नहीं पा रहा है। क्या है, कैसे जाना जाए, आखिर जो शैतानी ताकत किस सिद्धांत से काम कर रही है। कभी कभी आप में कई इच्छाएँ उठती हैं, किसी को मार डालने की इच्छा उठती है, कुछ अनैतिक कर्म करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, पाप कर्म करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, आखिर इन इच्छाओं का उद्गम हुआ कहाँ से, अगर आत्मा निर्मल है तो इसमें ये गंदगी आई कहाँ से। एक आदमी था, अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, बहुत बेटे की निंदा करने लगा, बहुत गालियाँ बकने लगा, बोला ये बहुत ख़राब आदमी है, आपने इसको क्यों जोड़ा अपने हाथ से। मैं कहा बाबा सुनो, आप नाराज़ तो नहीं होंगे अगर ये आप हैं आपका ही। बोला हाँ, अगर आपका है तो ये चीज़ें आप में भी रही होगी, नहीं तो इसमें आई कहाँ से, नहीं तो इसमें कहाँ से आना था, ये सब चीज़ें फिर आप में भी रही होगी जो इसमें हैं। तो आइए हम देखते हैं, आत्मा में तो ये चीज़ें हैं नहीं हैं, कहाँ से आई। दरअसल आत्मा बड़ी निर्मल है, परिपेक्ष को देखकर लग रहा है, जो विरोधी ताकतें उन्हें देखकर लग रहा है, चाहे अनचाहे इंसान से वो ताकतें सब काम करा रही है, नचा रही है। साहब के शब्द बड़े प्रासंगिक हैं, कहाँ से वो बैठकर किस सिस्टम से नचा रही है, किसको नचा रही है। जो ये अपने को फील कर रहे हो कि मैं जुगनू हूं, मैं सुरेंद्र हूं, ये भी मन है, ये भी मन है, ये भी मन है, फिर आत्मदेव कहां बैठा है, सुख दुख यही अनुभव कर रहा है, ये भी मन है। ज्यों तिल माही तेल है, इस इंडिविजुअलिटी के बीच में एक ताकत है आत्मा, बड़ी सूक्ष्म है, इसी इंडिविजुअलिटी में गुम है। देखा मन में भ्रमित है, इंडिविजुअलिटी क्या है, जो तुम ये महसूस कर रहे हो मैं फलाना हूँ, यह है इंडिविजुअलिटी, यह है अंतःकरण, यह है मन, इसके अंदर वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्म तत्व लीन है। जैसे मेहंदी में लालिमा, आखिर वो शैतानी ताकत किस पॉइंट पर बैठ करके कैसे काम चल कर रही है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा दसवां द्वारा, सुषुम्ना के बीच में मन बैठा है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर आकाश तत्व होने के कारण से अंधकार है, वहाँ से वो तरंगे ब्रेन के पास देता है। आपके दिल में इच्छा उठी कश्मीर घूमने जाना है, ये आपके ब्रेन की नहीं थी, आपकी नहीं थी, आपकी आत्मा की नहीं थी, ये मन ने भेजी। अब आप प्लान करते हैं कि कैसे जाएं कश्मीर, अब ब्रेन मंत्री है, वजीर है, ब्रेन पूरी जुगाड़ करता है, उसके बाद पूरे शरीर पर ये नियंत्रण करके पैरों को पूरे जिस्म को हुक्म देता है कि कश्मीर चलने की जुगाड़ करो।
ये था मन, पर समझ में नहीं आया, अंतःकरण को भी नहीं आया, बुद्धि को भी नहीं समझ में आया, मैसेज कहाँ से आया। ठीक वैसा ही आपके मोबाइल में तरंगे आ रही है, दिख नहीं रही है पर अंदर जा रही है, उससे ही आपकी रिंग बज रही है, बातचीत पहुंच रही है, ये तरंगे टावर से आ रही है। इस तरह मन सुषुम्ना के अंदर से इस ब्रेन को पूरे संदेश देता रहता है। अब इसको तमाचा मारना है, अब ये काम करने जाना है, 24 घंटे ये पूरा पूरा काम मन कर रहा है। फिर आत्मदेव इस अंतःकरण के अंदर एनर्जी के रूप में आत्मदेव है, जैसे मोबाइल में बैटरी के रूप में एक ऊर्जा है, जो जो भी काम मन बोल रहा है आत्मा करती जा रही है, इसलिए बंधन में है। वस्तुतः मन के अंदर ये ताकत नहीं है कि आत्मा से कुछ कराए, पर क्यों कर रही है? अज्ञान से आत्मा ने अपने को इंडिविजुअलिटी मानी, अपने को बुद्धि माना, अपने को शरीर माना, अपने को इंद्रिया माना, अपने को दिमाग माना, इसलिए आत्मा विरोध नहीं कर रही है। जो जो मन की इच्छा होती है आत्मा स्वयं उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है, पक्का वो आत्मा ये इच्छा पूरा करने में लग जाती है। जिस दिन गुरु नाम देता है उसी सूक्ष्म तत्व को चेतन करता है, पहला ये काम किया, इसलिए कहा गुरु के बिना हृदय शुद्ध ना हो ही कोटिन बांध करे जो कोई। जब वो अंदर इस इंडिविजुअलिटी में रहने वाला तत्व चेतन हो जाता है, अब वो इग्नोर करता है, अब वो मन का आदेश नहीं मानता है, वो आत्मदेव वहाँ नकारता है किसी भी किस्म से। अब आप में सबसे बड़ा बदलाव यही है, अब आपकी आत्मा मन का कहना नहीं मान रही है। हर दुनिया का आदमी आपको पागल की तरह नजर आता होगा नाम के बाद, क्यों आपको ये नजर आ रहा है? सभी मन के द्वारा नाच रहे हैं, जो जो भी मन चाह रहा है वो सभी करवा रहा है, उनसे हमसे नहीं करा पा रहे हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल हो गया, आपको पता है करुण जगत से न्यार काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना, आपका जोरदार सेल्फ कंट्रोल हो गया, बड़ा तगड़ा सेल्फ कंट्रोल हो गया, आप अपने पर नियंत्रण कर रहे हैं। ये एक चेंज दिया गुरु ने नामदान के साथ में, आपकी गुरु बिन सूरत जागे नहीं, ये कैसे 12 सूरत संत के पास आपको चेतन कर दिया। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गली अति संकरी तामे द्विने समार। अब क्या हो गया, वो जो अति सूक्ष्म वस्तु आपके अंदर थी वो परम चेतन कर दी गुरु ने। ये कभी भी नहीं हो सकती थी किसी शास्त्र द्वारा, किसी मंत्र द्वारा, किसी क्रिया द्वारा वो चेतन नहीं होती। ये सभी क्रियाएं हमारे ब्रेन से होती है, ये सभी चेष्टाएं हमारी अकल से होती हैं, हमारे मन से होती है, इनसे कहीं ऊंचा उठकर वो तत्व गुरु ने चेतन किया। अब वो पूरी फाइटिंग कर रहे हैं, आप चेतन हो गए। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना, ये वस्तु आपके पास है, आप सुरक्षित है। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, जहाँ कहीं आप उलझन में आते, एक ताकत आपकी सुरक्षा करते। चौथा, आत्मा और मन अलग हो गया, पक्का अब आत्मदेव फाइट कर रहा है पूरा। ये फाइटिंग दुनिया जानती नहीं है, दुनिया के लोगों को मन नचा रहा है। मन है निरंजन सब है नचाई, पर कह रहे नाम हो तो मात नवाई, आपको नहीं नचा पा रहे हैं। जैसे कहीं गलती होती है, एक कोई कार्य ऐसे होने वाला है, एकदम आत्मा एकदम जागरूक होकर नकारती है, नहीं ये नहीं करना है, फिर मन कुछ भी नहीं कर पाता है, मन आपके सामने नतमस्तक हो गया। साहब इसलिए कह रहे नाम होए मन है निरंजन सब है नचाई, सबको नचा रहा है, नाम होए तो मात नवाई, जब नाम की ताकत आती है तो ये मात नवाता है। और पांचवा, गुरु आपके अंदर परमात्म तत्व को प्रकट कर देता है। देखिए मेहंदी में लालिमा है, लोग कहते हैं कि पीसने से बाहर आती है, कभी नहीं, पीसना तो एक उपक्रम है, ये रसाने के बाद बाहर आती है, ब्लड सर्कुलेशन पर, इसलिए सुरति के अंदर फिर परमात्म तत्व प्रकट होता है। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई झाई बीच साई दर्शे लखे कभी रसाए। तो इस तरह से ये नाम एक अद्भुत ताकत है, गुरु एक अमूलक चीज़ देते हैं जिसकी कोई व्याख्या नहीं। साहिब ने गुरु की अस्तित्व इसी बिंदु पर की, सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु कर सके। सत्संगी नाम गुरु का।
सत्संगी।